हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड बेसिक सैम्पल पेपर टर्म 1 का क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट का ही लिंक आपको दे रखा है। साथ ही साथ अगर इसके हैंड रिटन पीडीएफ भी अगर आप चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, गिवन बिलो द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय द लाइन ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। दो हमें लाइन्स देखने को मिल रहा है, एक ए बी है और दूसरा हमारा सी डी है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स? तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है जो इन दो लाइन्स के थ्रू मिलकर बनी हुई है, एंड द एक्स इक्वल्स टू जीरो। हमें क्या दिया हुआ है? x इक्वल्स टू जीरो, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर x इक्वल्स टू जीरो नहीं दिया होता तो फिर इसमें हम लोग फाइंड करते तो थोड़ा इशू हम लोग को हो सकता था, प्रॉब्लम हो सकता था। अगर x इक्वल्स टू जीरो दिया, y इक्वल्स टू जीरो दिया है तो उसका मतलब क्या होता है? आइए सबसे पहले उसको समझते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, अगर आपको दिया रहेगा x इक्वल्स टू जीरो या फिर कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है, x इक्वल्स टू जीरो का ग्राफ कैसा होगा? x इक्वल्स टू जीरो का ग्राफ कैसा होगा? तो लेट अस सपोज हमें दिया होता है x इक्वल्स टू टू। लेट अस सपोज हम लोग कर लेते हैं कि x इक्वल्स टू टू दिया हुआ है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, इस टाइप से हो गया हमारा। तो अगर हमें x इक्वल्स टू टू दिया हुआ है, x इक्वल्स टू टू कहाँ पे होगा? ए वन है, ए टू, टू यहाँ पे हुआ होगा, तो हम लोग को ग्राफ कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा, है ना, ग्राफ ऐसा मिलेगा। मतलब कहाँ मिलेगा? पैरेलल टू y एक्सिस। कैसा मिलेगा? पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल हमें देखने को मिलेगा। उसी टाइप से अगर x इक्वल्स टू जीरो है, मतलब ये लाइन कहाँ पे होगा? ये y एक्सिस पे होगा, इस टाइप से y एक्सिस। यहाँ टू था तब तो पैरेलल था, अदरवाइज अगर x इक्वल्स टू जीरो है तो कंप्लीटली किस पे है? y एक्सिस पे है। अगर y इक्वल्स टू जीरो होता तो, अगर y इक्वल्स टू जीरो होता तो क्या होता? तो y इक्वल्स टू जीरो के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा, y इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू लेते हैं, लाइक टू ही ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू टू कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। मतलब ये किसके पैरेलल होगा? ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। उसी टाइप x इक्वल्स टू जीरो होगा तो ग्राफ हमें इस टाइप से देखने को मिलेगा। समझ में आया। तो ये जो हमें x इक्वल्स टू जीरो गिवन है, ये x इक्वल्स टू जो जीरो हमें गिवन है, वो किस एक्सिस के बारे में बात कर रहा है? तो वो हमें y एक्सिस के बारे में बात हो रहा है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे y एक्सिस के बारे में हमसे दिया हुआ है। तो जो आपको लाइन देखने को मिल रहा है उसमें आपको पॉइंट दिख रहा है ए, फिर बीच में सी, फिर नीचे डी, फिर इधर बी, ठीक है, इस टाइप से देखने को मिल रहा है। तो हमें जो लाइन इस टाइप से बन रहा है, हमें बस इस लाइन के अकॉर्डिंग, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाफ बेस इनटू हाइट, यही चाहिए, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस यहां से काउंट कीजिए कितना होगा, यहां पे है माइनस टू, तो एक, फिर दो, है ना, इस टाइप से, फिर तीन, चार, पांच, छह, है ना, यहाँ पे कितना है, फोर, फिर है थ्री, फिर है टू, फिर है वन, फिर यहाँ जीरो, फिर माइनस वन, और फिर यहाँ पे माइनस टू, तो कितना हो गया, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। ए है पॉइंट ए, मतलब ट्रायंगल अब किसका निकाल रहे हैं? ए ट्रायंगल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का, है ना, ए बी डी का। तो हाफ बेस कितना हो गया, हाफ बेस कितना हो गया, बेस डेट इज सिक्स हो गया, और इंटू हाइट कितना हो गया, यहाँ पे टू है ना, टू है ना, देखिए टू है ना, बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारा टू हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई टू से टू मर गया, कितना आ गया, सिक्स स्क्वायर यूनिट, कितना आ गया, सिक्स स्क्वायर यूनिट, चलिए सिक्स स्क्वायर यूनिट, एंड दैट इज योर राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से और क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। उसके लिए पहले से ही आप अपना एक रूटीन तैयार कर लोगे, क्योंकि इस बार क्वेश्चन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं। अगर आपने इसे प्रीवियस सॉल्व किया होगा तो देखा होगा, साथ ही साथ आगे वाले क्वेश्चन भी आपको देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है। इसके साथ साथ आप बेसिक्स भी जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।